केंद्र की मोदी सरकार अपनी लोकप्रियता के चाहे जितने दावे कर ले, 2022 में अपनी सरकार बनाने के लिए चाहे जितनी मेहनत कर ले, लेकिन लोकल सर्कल्स के एक सर्वे ने मोदी सरकार के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की रेटिंग में 2 साल में 24% गिरावट आई है। तो इस बात में है कितनी सच्चाई और क्या कहते हैं लोकल सर्कल्स के आंकड़े, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। 2014 के बाद 2019 में जब सरकार दूसरी बार आई तो बीजेपी को लगने लगा कि 2024 में भी सत्ता बीजेपी की ही होगी, लेकिन इस बीच आई महामारी ने सरकारी व्यवस्था को आईना दिखा दिया। देश में फैली महामारी को रोकने में मोदी सरकार असफल तो हुई ही, वहीं अस्पताल और दवाइयों की कमी ने मोदी सरकार को बता दिया कि विदेशों में डंका बजाने से पहले सरकार को अपने देश की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना जरूरी होता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की रेटिंग में 2 साल में 24% गिरावट आई है। ये दावा localcircles.com के एक सर्वे में किया गया है। साथ ही बताया गया कि पोल में शामिल होने वाले आधे लोगों ने माना कि पीएम संक्रमण की दूसरी लहर को सही से संभाल नहीं पाए। सर्वे में पूछा गया था कि आप मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के काम को कैसे देखते हैं, जिसके जवाब में 21% ने कहा कि ये उम्मीदों से आगे निकला, 30% ने कहा कि ये आशाओं पर खरा उतरा, जबकि 49% का मानना है कि जितना उन्होंने सोचा था वो उससे कम है। दूसरा सवाल था कि क्या भारत सरकार पिछले 2 सालों में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने में सक्षम रही। इसके जवाब में 27% लोगों ने हाँ और 61% ने ना कहा। वहीं 12% ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगला सवाल था कि बीते 2 सालों में भारत की छवि और प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार आया। 59% का कहना था हाँ, 35% का मानना है नहीं, जबकि 6% लोग इस बारे में राय स्पष्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा भी सर्वे में सरकार के कामकाज को लेकर कई सवाल किए, जिनके जवाब से यही निष्कर्ष निकला कि सरकार की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है, जिसके बाद अब अगले चुनावों में मोदी सरकार का सत्ता से बाहर होना तय माना जा रहा है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।